नमस्कार। पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार पुलिस द्वारा शराब का अवैध कारोबार करने वालों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत क्षेत्राधिकारी आप्स सुमित पांडे के नेतृत्व में डीडीहाट में पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग अभियान के तहत एक बार में अवैध रूप से रखी हुई विभिन्न मार्का की कुल 54 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब व 13 बोतल बियर बरामद कर आरोपी प्रकाश कुमार को गिरफ्तार किया गया। इधर थल के मोहनी क्षेत्र में पुलिस व एसओजी टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक आरोपी राजेंद्र सिंह को 10 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने में प्रयुक्त उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया तथा बरामद लहन को नष्ट किया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला पंजीकृत किया गया है। अभियान के दौरान डीडीहाट में प्रभारी निरीक्षक हिमांशु पंत, कांस्टेबल प्रदीप गिरी व अमित कुमार शामिल थे। थल के मानी में थानाध्यक्ष हीरा सिंह डांगी, कांस्टेबल रमेश शर्मा, मोहन चंद शामिल थे। एसओजी टीम के प्रभारी उप निरीक्षक प्रकाश पांडे, कांस्टेबल मनमोहन भंडारी, संदीप चंद व भुवन पांडे शामिल थे। पिथौरागढ़ सर्विस लॉन सेल द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए सोल मोबाइल, जिनकी कीमत लगभग 2,15,000 है, को बरामद कर संबंधितों के सुपुर्द किया गया। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों तथा प्रभारी सर्विस लॉन्स व साइबर सेल को साइबर अपराध संबंधी व मोबाइल फोन खोने की शिकायत पत्रों पर शीघ्र कार्रवाई कर मामलों के निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया है, जिसके तहत पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन व नोडल अधिकारी सुमित पांडे के नेतृत्व में सर्विस लॉन्स सेल द्वारा बीते जनवरी माह में विभिन्न क्षेत्रों में खोए हुए लगभग 2,15,000 के सोल मोबाइल बरामद कर संबंधितों के सुपुर्द किए गए। मोबाइल मिलने पर मोबाइल स्वामी ने खुशी व्यक्त करते हुए पुलिस के कार्य की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया है। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को सकुशल संपन्न कराने को लेकर आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में पुलिस द्वारा 7 व्यक्तियों के विरुद्ध 107, 116 सीआरपीसी के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई की गई तथा कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 44 व्यक्तियों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई है। पिथौरागढ़ के झौलखेत मैदान में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इससे पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो चुनाव में रिपोर्ट कार्ड के साथ आम जनता के मध्य जाती है। कहा कि भाजपा की जीत ही उत्तराखंड को आगे ले जा सकती है। इस दौरान उन्होंने केंद्र व राज्य द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने पिथौरागढ़ की चारों विधानसभा पर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील भी लोगों से की। सभा के दौरान भाजपा प्रत्याशी व अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। इसके राजनीतिक गहराई को समझने का प्रयास। और आपने चंद्रपाल जी को भाषण देते हुए सुना, आपने चुफान जी को भाषण देते हुए सुना, दोनों ने दमदार तरीके से जो काम उन्होंने और उनकी सरकार ने इलाके के लिए किया है उसको छाती ठोक करके आपके सामने रखा है। ये हमको ध्यान रखा, बोलो उन्होंने रखा कि नहीं रखा। ये भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव में रिपोर्ट कार्ड के साथ जाती है। और सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में आज सोमवार को 11 कोरोना संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को 9 एंटीजन व 2 ट्रूनेट में कुल 11 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। 7 कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। वर्तमान में जिले में 368 केस एक्टिव हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत पिथौरागढ़ पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर वाहन सीज किए तथा खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर व ओवरलोडिंग में 2 वाहनों को सीज किया गया। इसके अतिरिक्त जनपद भर में 39 वाहनों का चालान कर संयोजन शुल्क 12,500 रुपये जमा किए गए।
विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्त माइक्रो ऑब्जर्वरों का पूर्वाभ्यास प्रशिक्षण सोमवार को लक्ष्मण सिंह महर महाविद्यालय सभागार में संपन्न हो गया। इस दौरान माइक्रो ऑब्जर्वर को चुनाव प्रक्रिया तथा उनके कार्य कर्तव्य की विस्तार से जानकारी दी गई। निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शिता पूर्वक संपन्न कराने के लिए 142 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। विधानसभा धारचूला के लिए 35, डीडीहाट 34, पिथौरागढ़ 24 तथा गंगोलीहाट के लिए 34 माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, जो निर्वाचन प्रक्रिया को ऑब्जर्व करते हुए प्रेक्षक को रिपोर्ट करेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सामान्य प्रेक्षक आर प्रार्थना और इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने सभी ऑब्जर्वर से अपने दायित्वों का अच्छी तरह से निर्वहन करने की बात कही। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सभी माइक्रो ऑब्जर्वर को प्रशिक्षण को गंभीरता से लेते हुए दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। प्रशिक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी FR चौहान द्वारा माइक्रो ऑब्जर्वर की सभी शंकाओं का समाधान किया गया। पिथौरागढ़ के गांधी चौक में सोमवार को विभिन्न संगठनों ने एक शोक सभा का आयोजन कर सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में DS भंडारी, DN भट्ट, पद्मादत्त पंत, गजेंद्र बोरा, जुगल किशोर पांडे, PD भट्ट, हेमंत महाराज, बुद्धिवल्लभ भट्ट, रमेश चंद शर्मा, कैप्टन दीवान वल्दिया, नानो बिष्ट, कैलाश कुमार, राजेंद्र देवलाल सहित अन्य लोग उपस्थित थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ YouTube चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़ें, समाचार सुने। धन्यवाद।